बिहार में मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण मौजूद होने से इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। वैसे तो मशरूम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि मुख्य रूप से तीन मशरूम ही बिहार में उत्पादन करना लाभकारी है। अगर इन प्रजातियों की व्यवस्थित उत्पादन करें तो निश्चित ही गरीब और भूमिहीन किसानों के लिए यह मशरूम तरक्की के नए द्वार खोल सकते हैं। बिहार के लिए मशरूम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके दो कारण हैं। नंबर वन, पहला जो कारण है वह यहाँ की जो टोपोग्राफी है या भौगोलिक परिस्थिति है, उसके अंतर्गत यहाँ का जलवायु, यहाँ का वातावरण तीन मशरूम उत्पादन करने के लिए बहुत उचित है। इसमें ओयस्टर मशरूम की खेती आप कर सकते हैं। अब आजकल सालों भर यानी जुलाई से शुरू करके मार्च अप्रैल तक करते हैं। बटर मशरूम की खेती सितंबर से अक्टूबर में खाद बना करके और अक्टूबर से नवंबर तक उसकी बिजाई करके दिसंबर के प्रथम सप्ताह से आप इसका फसल ले सकते हैं और फरवरी तक कर सकते हैं। इसी तरह से जब अप्रैल से लेकर के सितंबर तक गर्मी वाले मशरूम, जिसमें श्वेत दूधिया और पेडिस्ट्रा पुआल वाला मशरूम जो होता है, जिसे चाइनीज मशरूम भी कहते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से ये सालों भर मशरूम की खेती करके बिहार को न्यूट्रिशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को दिया जा सकता है। दूसरा कारण है यहाँ पर मशरूम का उत्पादन के लिए कि यहाँ पर जो गरीबी है तो उस गरीबी में इसकी काफ़ी भूमिका है। जमीन का आकार घट रहा है, यानी इसकी जो खेती मशरूम की होती है वह बिना भूमि के, खेती बिना खेत के, इसमें न जमीन की ज़रूरत पड़ती है न बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। इसको हमारे जो गरीब परिवार है उसमें महिलाएं अपना समूह बना करके अगर इसकी खेती करती हैं तो एक तरफ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, दूसरी तरफ उनको जो स्वास्थ्य संबंधी है, यानी कि उनको एक सब्जी, अतिरिक्त सब्जी मिलती है जिसको कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक चीज़ और है कि स्वास्थ्य के अलावा यह न्यूट्रिशनल हुआ और इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो कि अन्य सीरियल्स या सब्जियों में नहीं पाए जाते, और इसका दवा का भी, इसमें औषधीय महत्व भी इसका होता है, तो इस औषधीय महत्व के चलते भी इसका महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से मशरूम उत्पादन बिहार के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। अगर हम मशरूम उत्पादन के लिए ज़रूरी सामग्रियों की बात करें तो वह बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। मशरूम उत्पादन की शुरुआत के लिए कम से कम लागत की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारा जो बिहार प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, इस सब जगहों में झोपड़ी प्रणाली एक सिस्टम है। झोपड़ी प्रणाली क्या है कि अधिकांश लोग झोपड़ी में रहते हैं। जो धनी मानी लोग हैं वो झोपड़ी अपने शौकिया एक काटेज टाइप बना के रहते हैं, बाकी गरीब परिवार इसमें रहते हैं। तो एक तो झोपड़ी उनके पास हो गया जो कि बेसिक ज़रूरत है, इसमें कोई एयर कंडीशन या बहुत ज़्यादा उत्पादन के लिए साजो सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एक झोपड़ी ज़रूरी हो गया। दूसरा, यहाँ पर धान और गेहूँ मुख्य रूप से बिहार में उत्पादन किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल जो ज़रूरी होता है, धान का पुआल और गेहूं का भूसा उपलब्ध है। तकनीकी ज्ञान के लिए हमारे बिहार में दो दो कृषि विश्वविद्यालय हैं जहां पर कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है, राजन कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय। इन दोनों विश्वविद्यालयों में मशरूम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स उनको मुहैया कराया जा रहा है, बीज उत्पादन के लिए उनको बताया जा रहा है, बीज मुहैया कराया जा रहा है।
तो मुख्य रूप से एक तो जगह हो गई जो कि हमारे किसानों के पास है, तकनीकी ज्ञान के लिए दोनों विश्वविद्यालय तत्पर हैं। इसके बाद में बीज जो है उनको 35 रुपया आधा किलो, 70 रुपया से 1 किलो ये बीज उनको मिलता है, और वो छोटा मोटा साजो सामान, अर्थात कुल अगर किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए 100 रुपया अगर उपलब्ध है तो वह अपना जो है मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू कर सकता है अपने सब्जी के लिए, और उसे व्यावसायिक रूप देने के लिए थोड़ा सा पैसा 5,000 से 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर। कई प्रजातियों में पाया जाने वाला मशरूम में से आज हम ओएस्टर प्रजाति के मशरूम के उत्पादन तकनीक के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। ओएस्टर मशरूम उत्पादन सबसे आसान है। बिहार में जो हम लोगों ने मशरूम को जब शुरू किया तो ये भ्रांति थी कि यह जो है बहुत साजो सामान और सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज में ये पैदा किया जाएगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में हम लोगों ने इस पर अनुसंधान किया और एक बहुत सरल तकनीक और सरल भाषा में हम लोगों ने इसकी विवेचना किया, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भूसा या पुआल लेते हैं और उसे हम उबालते हैं। उबालने के पश्चात उसको हम फैला देते हैं पानी निचोड़कर। पानी जब निचुड़ जाता है तो ठंडा हो जाता है, फिर हम फैलाने के पश्चात उसकी नमी की जांच करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि नमी इतना होना चाहिए कि नमी हाथ की मुट्ठी में दबाने से पानी चूना नहीं चाहिए, पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए, बल्कि हाथ में हल्का पानी लग जाए तो समझना चाहिए कि नमी इसमें बराबर है। अब हम इस भूसे में 1 किलो भूसा पर 100 ग्राम बीज मिला करके इसको हम या तो नायलॉन की जाली में भरते हैं या पॉलीथीन बैग में 18x23 में बढ़िया सा भर करके बंद कर देते हैं। यदि नायलॉन जाली में भरे हुए हैं तो उसके ऊपर से पन्नी ओढ़ा देते हैं, थैला ओढ़ाते हैं ताकि उसमें नमी बराबर बनी रहे और उसमें उचित ग्रोथ हो। और दूसरा जो यदि हम पन्नी में भरते हैं, थैला में भरते हैं जिसको बैग मेथड कहते हैं, तो उसमें चारों ओर से छेद कर देते हैं। इसको हम उठा करके ठंडे जगह पर रखते हैं। अब यहाँ ठंडी जगह से तात्पर्य हमारा है, किसान भाई इस बात को समझें कि उसके लिए तापक्रम 25 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो ये हम कैसे जानेंगे? इसके लिए सबसे आसान तरीका हम लोगों ने प्रयोग करके देखा कि यदि हम सामान्य ढंग से कपड़ा अगर पहने हैं तो हमको थोड़ा ठंडी लगती है, हल्का सा ठंडी लगती है, लगता है कि हमें ठंडी लग रही है, मगर जैसे ही अगर हल्का चादर डाल लेते तो गर्मी लगने लगे। यही हमारा एक तापक्रम नापने का ग्रामीण तरीका है। इसके बाद हम उस जगह पर रख देते हैं, 15 दिन के अंदर में उसमें सफ़ेद जाली फैल जाती है और तब हम उसका पन्नी, या अगर कॉम्पैक्ट बैग है तो पन्नी फाड़ के हटा देते हैं, अगर हमारा जो है नायलॉन जाली में भरें तो उसका पन्नी हटा देते हैं, दीवार पर जूट का बोरा टांग देते हैं, उसको बराबर भिगाते रहते हैं ताकि नमी बनी रहे। और इस तरह से करने से जाला बनने के 5 से 7 दिन में मशरूम निकल जाता है और 2-3 दिन में वो तोड़ने लायक होता है। उसे सावधानी पूर्वक पकड़ करके, उमेट करके, घुमा करके तोड़ें तो आपके हाथ में आ जाएगा। उसे साफ़ सफाई कर दें, आवश्यकता अनुसार बैग पर मशरूम निकलते समय पानी दें और अनावश्यक प्रवेश वहाँ वर्जित रखें। तो इस तरह से मशरूम तैयार होता है, उसे तोड़ करके, उसका साफ़ सफाई करके, उसको परफोरेटेड पॉलीथीन बैग में, उसके बैग छोटा छोटा थैला होता है आधा किलो का, 200 ग्राम का, उसमें डाल करके उसमें छेद बना दें और छेद बनाने के पश्चात आप उसको मार्केट में दें अथवा ताज़ा लेकर के अपना विभिन्न उपयोग में लाएं।
तो देखा आपने कितना आसान है ओयस्टर या ढींगरी मशरूम का उत्पादन करना। दिखने में मजेदार और खाने में लाजवाब ओयस्टर मशरूम आपके आसपास बेकार पड़े रहने वाले पुआल या भूसे से ही उगाया जाता है। चलिए इसके प्रोसेस यानी प्रक्रिया को हम एक बार फिर से बारीकी से बताते हैं। आखिर कितने पुआल की मात्रा हो और उसमें स्पर्म यानी ओयस्टर मशरूम का बीज कितना डालें, आइए जानते हैं। ऐसा है कि एक किलो शुष्क पुआल लेने से उसको जो है 3 किलो के आसपास मोटा मोटी उसको प्रोसेस करने के बाद उबालने के बाद में वो 3 किलो होता है। तो हम जो है उसको 1 किलो एक थैला में अगर 1 किलो देते हैं तो उसमें जो है हमको 50 ग्राम के आसपास बीज लगता है। 1 किलो शुष्क पुआल में 100 ग्राम अथवा 150 ग्राम 100 से 150 ग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। तो हम जो है अगर 150 लेते हैं तो 50-50 ग्राम लें, और नहीं तो हम 100 ग्राम को 3 भाग में बांट करके 3 थैला में मिला देते हैं। तो जाना आपने पुआल की मात्रा और बीज की मात्रा के बारे में। अब आपके मन में कहीं यह सवाल तो नहीं उठ रहा कि पुआल या भूसे को कितने देर तक उबलने दें? आइए आपके इस शंका को भी हम दूर कर देते हैं। देखें जो हम उबालते हैं तो उबालने में हमको उसे आधा घंटा खौलते पानी में रखना चाहिए, लेकिन हमारे ग्रामीण भाई जब आग जलाते हैं तब से समय काउंट करते हैं। तो हम लोगों ने एक थर्मामीटर, समझिए कि थर्मामीटर, देहाती थर्मामीटर तैयार किया कि जब भूसा या पुआल को हम उबलने के लिए रखते हैं तो उसमें भाप बहुत तेज़ी से निकले। तो घड़ी देख करके 20 मिनट से आधा घंटा तक यदि भाप निकलता रहे तेज़ी से तो हमें समझना चाहिए कि हमारा पुआल उपचारित हो गया है। उसे आग बुझा देना चाहिए और तब उसको छोड़ देना चाहिए। जब भाप निकलना बंद हो जाए, जब एकदम ठंडा हो जाए तो पानी पसा करके हम फैला दें और तब बाकी की आगे की प्रक्रिया करें। अब उपजाने की प्रक्रिया के बाद हम जानते हैं कि इन थैलियों से कितनी मात्रा में और कब तक उपज ले सकते हैं। एक किलो शुष्क पुआल अगर लेते हैं तो उसकी उपज क्षमता जो होती है 1 किलो होती है, लेकिन औसत उपज जो है 500 से 700 ग्राम 1 किलो पुआल से आता है।
एक थैला से हम 3 से 4 बार दौड़ते हैं। जैसे प्रथम तुड़ाई किया तो उसके ऊपर पानी छिड़क करके फिर उसे हम मेंटेन रखते हैं, नमी उसमें रहेगी तो उसमें से फिर निकलेगा। इस तरह से 3 बार वो निकलता है, और जब निकल जाता है तो जब भूसा जो शेष बच जाता है तो ओइस्टर के केस में उसको हम जानवर को खिला देते हैं, उसका बचा हुआ स्पेंट जिसको कहते हैं स्पेंट रेजिड्यू, या उसे हम जो है निकाल देते हैं ये खाद के तौर पे अपने यहाँ जो किचन गार्डन है उसमें इस्तेमाल करते हैं, अथवा गोबर गैस में, और उसका भी अगर साधन नहीं है तो हम बर्मी कंपोस्ट में इसको मिक्स करते हैं गोबर के साथ और बर्मी में दे देते हैं। अगर आपने पूरी तरह से इस प्रक्रिया को सीख लिया है तो मानकर चलिए कि एक बढ़िया अवसर आपको तलाश रही है। आइए ओइस्टर के उत्पादन से होने वाले आय व्यय का हम ब्यौरा ले लेते हैं। हम लोगों ने आधा किलो बीज दे करके एक भी सामान्य आदमी को, जो कि जिनको खाने का कोई गुजारा करने का कोई भी साधन नहीं है, उनके लिए जो है हम लोग एक पैकेज दिए हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय या बिहार कृषि विश्वविद्यालय से, कि जो हमारे प्रशिक्षणार्थी आते हैं उनको हम आधा किलो बीज देते हैं फ्री, और उनको हम इस शर्त पर आधा किलो फ्री देते हैं कि जो फसल आपको निकले उसमें से 1 किलो हमको मशरूम ला के दीजिए। तो आधा किलो बीज में 5 किलो मशरूम निकलना चाहिए और निकलता है, तो हम लोग उसको 1 किलो जो हमारे पास लाते हैं तो वो हम खरीद लेते हैं और उसके बदले में हम उनको 1 किलो बीज दे देते हैं। तो इस तरह से उनकी पूंजी शुरू हो जाती है। अगर वो 5 किलो नहीं निकल के 4 किलो निकलता है खुले मार्केट में, उसका 400 रुपया दाम हुआ, 100 रुपया किलो। तो 1 किलो जो हम लेते हैं तो उनके पास 3 किलो बचता है, 1 किलो के बदले हम उनको 1.5 किलो बीज देते हैं, 1 किलो मशरूम का 100 रुपया देते हैं और उनको 105 रुपये का हम बीज देते हैं उसी मशरूम के बदले में। उनके पास 3 किलो या 4 किलो बचता है, उसका कीमत 300-400 रुपये होता है। वो कुछ अपने खर्चा निकाल करके फिर उसी से वो शुरू करते हैं, और शुरुआती दौर में तो वो 3 थैला से 4 थैला लगाए, मतलब 10 थैला लगाए, आधा किलो 20 से वो 10 थैला तैयार करते हैं, और जब 1 किलो ले जाएंगे तो 20 करेंगे। इसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते हमने किसानों को गाँव में देखा है कि 5 से 10 थैला से शुरू करने वाले 200 से 300 थैला तक ले जाते हैं, और वो उन्हीं से व्यापक स्तर पे 3000 से 5000 रुपये प्रति माह आमदनी करते हैं। ओइस्टर मशरूम उत्पादन में 1 किलो पैदा करने में पहले 15 से 20 रुपये खर्च होता था। आजकल क्या हो गया है, भूसा का दाम बहुत बढ़ गया है, तो उसके चलते 20 से 25 रुपया, और रूरल इलाके में 20 से 25, शहरी इलाके में 30 से 35 रुपया उस पर खर्च आता है 1 किलो अगर उत्पादन करते हैं मशरूम। तो बाज़ार में आज किसी भी जगह 100 रुपया किलो मिलता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्वयं
कि 65 से 70 रुपया तक एक किलो उत्पादन में लाभ हो सकता है। इस भाग में आपने विस्तार से जाना ओयस्टर मशरूम की उत्पादन तकनीक के बारे में, लेकिन इसकी शुरुआत करने के लिए आपको चाहिए एक छोटा सा प्रशिक्षण। चलिए एक ऐसे ही प्रशिक्षण में हम आपको ले चलते हैं, जहां पर डॉक्टर दयाराम ग्रामीण महिलाओं को ओयस्टर मशरूम के उत्पादन तकनीक के बारे में बता रहे हैं। जमीन है, दुनिया भर की बात है। हम कहते हैं कि जमीन वाले को तो सब, अब आपके पास जमीन है तो हमें किलो बिया दे दिए तो आप कर लिए, इनको कौन जमीन है, तो लैंडलेस के लिए। दूसरा, जमीन का आकार घट गया है तो हम लोग की सोच है कि जो एरियल स्पेस है, हवाई जो जगह है, उसका हम उपयोग करें। तो हमने इस बात को सोचा कि मशरूम ही एक ऐसा है जो कि बिना जमीन का हो सकता है। दूसरी चीज़ कि इसमें कोई ऐसा हानिकारक तत्व अभी तक नहीं पाया गया। एक तो ये बिना जगह जमीन का होगा, दूसरा ये घास पात पे होगा, तीसरा इसका मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है, और दूध के बराबरी इसका पोषक तत्व है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका कुछ बचबे नहीं करेगा। जैसे मशरूम निकला, ये मशरूम हम खा गए, माने इसकी तकनीकी बहुत आसान है। ये मशरूम निकला, इसको हम खा लिए, ये बच गया तो इसको जानवर को खिला दीजिए, नहीं जानवर है बकरी खिला दीजिए, कुछ नहीं है पेड़ के जड़ी में डायरेक्टे डाल दीजिए, वो सड़ गल के जो है फर्स्ट क्लास उसको न्यूट्रिशन देगा। तो इसका कुछ बचा नहीं, यानी यह प्रदूषण रहित है। क्या है इसका उत्पादन? प्रदूषण रहित है। अभी हम ओयस्टर की बात कर रहे हैं। दूसरा, ये ऑर्गेनिक है, इसमें हम लोग कोई केमिकल सेमिकल नहीं मिला रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भूसा उबाल दिए, इसमें दवा का भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अभी हम लोग उस दवा ववा के बारे में नहीं, क्योंकि अभी पहला ज्ञान है, इसमें हम लोगों को दवा नहीं देना है। तो पहले इसी तरह से ज्ञान करिए, सीखिए, फिर तब आएगा सेकंड स्टेज। इसके बाद में प्रदूषण रहित हो गया और आप एक जीव की रक्षा भी कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसलिए कि मशरूम की खेती हम क्यों करें। ये पौष्टिक है, इसका सूप बनाइए। जिनको गैस्ट्रिक है, अगर मशरूम खाएंगे, पीना तो अलग है, मशरूम खाएंगे, इसमें फाइबर 1% होता है, इसमें सोडियम और पोटेशियम का 10:1 का होता है रेशियो, जो कि किसी भी चीज़ में नहीं पाया जाता। फाइबर 1% है, गैस्ट्रिक 100% आपको कंट्रोल हो जाएगा। तो इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, चेहरे पे चमक आती है, दिमाग की वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब है कि ये गुणकारी है। जब इस पे खूब भाप फेंकने लगे, जैसे भाप फेंक रहा है, जब चारों ओर से खूब जब भाप निकलने लगे, तब आप समझ जाइए कि ये हमारा उपचारित हो गया। तब आग बंद कर दीजिए, बुझा दीजिए, इसको रख दीजिए। इसके बाद में ले चल के इसका पानी पसा दीजिए, इसमें अभी पानी बहुत होगा, तो पानी पसा दीजिए। पानी जब पसा दीजिए तब इसके बाद साफ सुथरी फर्श पे इसको फैला दीजिए। जब फैला दीजिएगा तब उसके बाद में ठंडा होगा, अपने मन से जब हाथ खूब लगे, मैंने अब आपको मालूम होगा ठंडा हो गया, तब नमी की जाँच करिए। नमी की जांच कैसे करिएगा कि इसको जो है भूसा या पुआल को लीजिए, ऐसे मुट्ठी से कस के दबाइए, हाथ खोल दीजिए, हाथ में हल्का पानी महसूस हो लेकिन हाथ गीला नहीं, न तो पानी धारा जोर के चुए, तब समझिए कि नमी सही है।
तीन मशरूम बिहार में होता है, ओयस्टर की खेती, बटन की खेती और श्वेत दूधिया की खेती। एक हुआ ओयस्टर की खेती जिसकी खेती साल भर लगभग होती है, दूसरा है कि बटन मशरूम, उसकी खेती डिफाइंड है, वो ठंडी में होता है, वो 15 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर जरूरी है और 22 डिग्री अधिकतम, इसी के बीच में होगा, इसके न आप ऊपर न नीचे। नवंबर में हम उसकी पहला सप्ताह बुआई करेंगे, दिसंबर से फसल मिलती है। तीसरा गर्मियों में हम लोगों ने प्रयोग किया जो कि श्वेत दूधिया पेडिस्ट्रा है, जो छत्तर उत्तर इधर उधर भी उसी की एक प्रजाति उगती है, तो वो भी वैरायटी है। ये तीनों मिला के सालों भर। तो ओयस्टर की खेती जो है, ओयस्टर का क्या है कि ओयस्टर का देखें, भूसा या पुआल लेते हैं, भूसा या पुआल को उबाल लिया, कुट्टी को अब फैला दिया, नमी का उसका जांच कर लिया, इसके बाद में हम उसको क्या करेंगे कि उसको हम बैग बना लेंगे, इसको रख देंगे, 15 दिन तक रखेंगे, जाल ऐसे ही खूब हो जाएगा। देख रहे हैं ये जाल खूब बढ़िया हो रहा है ना, ये देख रहे हैं कि नहीं सब लोग, ये जाल ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, चाहे इसमें लगाइए चाहे नायलोन वाले में लगाइए। इसके बाद में इसमें से मशरूम निकलेगा। अब मशरूम जब निकलेगा तो ऐसे कान टाइप होगा, ऐसे उठा के तोड़ लीजिए, साफ करके ऐसे रख दीजिए और इसका जो बनाना है बना जाइए, खा जाइए। इसमें एक दो बीमारी लगती है जो काला मशरूम निकलता है, इसके बाद वो काला वाला जो निकलता है तो काला वाला में क्या है उसको चुन के हटा दीजिए, ज़्यादा निकले और नहीं निकले तो उसको भूसा या पुआल को अच्छा उपचारित करिए और इसके बाद इसको बनाइए। व्यंजनों में सबसे आसान है, जो लोग नहीं खाए हैं वो पकौड़ा खाएँ, जो लोग खाए हैं अभी सब्जी आ जाएगी मटर, इसका मशरूम और मटर बना के खाएँ, इतना बढ़िया लगेगा कि कभी कल्पना नहीं किए हैं। इसका मशरूम चिली जो है, इसका बहुत सारा व्यंजन, मतलब क्या नहीं बनता, आलू जैसा है, सर्वभक्षी है। तो इस वजह से आप लोग इसकी खेती करें।